हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिम्पल एंड वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर ट्वेल्थ ऑफ सितंबर 2021 तो 12 सितंबर 2021 का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे कल द हिंदू नहीं आया था पब्लिश नहीं हुआ था इसलिए कल हमने डिस्कस नहीं किया था न्यूज आज का हम डिस्कस करेंगे स्टार्ट करते हैं पहले आज के सवालों के साथ पहला सवाल है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लाइटनिंग लाइटनिंग के रिगार्डिंग आपको बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट सही है पहला स्टेटमेंट कह रहा है इंक्रीजिंग द ग्लोबल टेम्परेचर विल इंक्रीज द फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइटनिंग दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इंटर क्लाउड और इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग इज मोर डेंजरस दैन द क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग तो आपको बताने में से कौन से स्टेटमेंट सही हैं विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट वन ऑनली टू ऑनली बोथ कैन एन क्वेश्चन नंबर टू इज ब्रायम भारतीय ब्रायम भारतीय वॉज समटाइम्स इन ए न्यूज विच आर द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन इट क्या था ब्रायम भारतीय आपको बताना है ए सिंग इट इज द न्यू स्नेक स्पीशीज डिस्कवर्ड इन वेस्टर्न घाट्स दूसरा है इट इज अ सॉल्ट सीक्रिटिंग सॉल्ट टॉलरेंट मैंग्रूव स्पीशीज फाउंड एंड मैंग्रूव फार्मेशन इन इंडिया सी है इट इज अ कोल्ड ब्लडेड मैराइन रेप्टलियन स्पीशीज या डी है इट इज अव प्लांट स्पीशीज ऑफ मॉस डिस्कवर्ड बाई इंडियन साइंटिस्ट इन अंटार्क्टिका आपको तो बताना है ब्रायम भारतीय क्या है क्वेश्चन नंबर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष के बारे में स्टेटमेंट्स हैं पहला स्टेटमेंट कह रहा है द ऑब्जेक्टिव इज टू डेडिकेट एन आइडियल प्लेटफॉर्म फॉर सोशल एंड कल्चरल इंटरक्शन बिटवीन पीपल दूसरा है द सेंटर हैज़ बीन बिल्ट विद असिस्टेंस फ्रॉम जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी तो आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट सही है बोथ नन आर द टू थ्री क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो मूव करते हैं न्यूज एनालिसिस पार्ट में तो गुजरात चीफ मिनिस्टर रिजाइंस गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी ने अपना जो इस्तीफा है वो दिया है दियाड दैट ही विल बी वर्किंग विद द संघ नाउ अपने संघ के साथ वो काम करेंगे एंड ही हैज़ रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात विजय रूपाणी तो अगर आपसे किसी भी एग्जाम में पूछता है वन लाइनर में पूछ लेता है कि अभी हाल ही में कौन से चीफ मिनिस्टर ने किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने या गुजरात के किस चीफ मिनिस्टर ने रिज़ाइन किया तो आपको पता होना चाहिए सो दैट वॉज इट फॉर दिस रीजन आई टोल्ड यू द न्यूज़ आइटम आगे मूव करते हैं साइंस और बाकी जो न्यूज़ है वो काफ़ी अच्छी आती है वो दिस डिस्कस करते हैं अगली जो न्यूज़ है वो पेज नंबर नाइन पे आप देख सकते हैं कलेक्शन ऑफ रेयर पेंटिंग्स डाइज फैब्रिक्स एंड टाइप्स स्पेसिमेंस टू गो पब्लिक अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो क्या करने वाला है रिकॉर्ड्स को पब्लिक करने वाला है जो पेंटिंग्स बनाई गई थी जैसे क्या होता था बहुत पहले जो डिस्कवरी हुई उस समय अब क्या हुआ कि जो स्पीशीज़ है उसको रिकॉर्ड करने के लिए कोई मीडियम नहीं था तो पहले वो पेंटिंग्स के माध्यम से उसको रिकॉर्ड करवाते थे एग्जैक्ट उसका रेप्लिका बनवाया जाता था पेंटिंग बनवाई जाती थी और उसको फिर रखा जाता था यहाँ पे ऑथर ने एग्जाम्पल भी दिया है नाइनटीन का जब विलियम ग्रिफिथ यानी विलियम ग्रिफिथ का नाम लिया है उन्होंने फ्लावरिंग प्लांट सप्रिया हिमालयाना अरुणाचल प्रदेश में खोजा था तो सप्रिया हिमालयाना को उनको स्टोर करने के लिए डॉक्यूमेंट करने के लिए क्या था कोई तरीका नहीं था तो 1842 में उसी तरीके से बोटानिकल पोर्ट्रे बनाया गया था पैरासिटिक प्लांट का जिसमें ब्राइट रेड कलर्स थे सल्फर येलो डॉट्स वर मेड एज रिज इन एटीन फोर्टी टू एंड ये था बाय पेंटर नेम लक्ष्मण सिंह तो पेंटर लक्ष्मण सिंह ने ये पेंटिंग बनाई थी ठीक है ना ये देखो सप्रिया हिमालयाना इस तरीके का ये ये प्लांट था जिसको बनाया गया था सप्रिया हिमालयाना लक्ष्मण सिंह ने इसको बनाया था एटीन फोर्टी टू में सप्रिया हिमालयाना लक्ष्मण सिंह एटीन फोर्टी टू इसके बाद इन्होंने गोपाल दास जी का एग्जाम्पल दिया है गोपाल दास एटीन सिक्सटी टू में इन्होंने पोर्ट्रेट बनाया था तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इनके पहले भी बन रहे थे के पहले भी पोर्ट्रेट बनाए जा रहे थे उसमें यहाँ पे ऑथर ने जो एग्जांपल दिया इनको कहा है कि जो 1842 के पहले यानी लक्ष्मण सिंह और गोपाल दास के पहले जो पोर्ट्रेट बनाए जाते थे जो पेंटिंग्स बनाई जाती थी इनको रॉक्सबर्ग ड्राइंग कही जाता है उनको क्या कहा जाता है रॉक्सबर्ग ड्राइंग कहा जाता है तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज अपन बहुत अच्छी चीज डिस्कस कर रहे हैं रॉक्सबर्ग ड्राइंग अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि रॉक्सबर्ग कौन थे क्या थे तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये स्कॉटिश बॉटनिस्ट थे स्कॉटिश बॉटनिस्ट एंड फिजिशियन विलियम रॉक्सबर्ग फ्रॉम 1751 टू 1815 ही इज़ आल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडियन बॉटनी इनको फादर ऑफ इंडियन बॉटनी इंडियन बॉटनी कौन है स्कॉटिश बॉटनिस्ट एंड फिजिशियन विलियम रॉक्सबर्ग 1751 टू 1815 ही इज़ नोन एज द फ़ादर ऑफ इंडियन बॉटनी फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन था बॉटनी के फील्ड में प्लांट एक्सोनॉमी के फील्ड में तो विलियम रॉक्सबर्ग सर विलियम रॉक्सबर्ग जो थे उनको क्या कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन बॉटनी कहा जाता है ठीक है ना एंड uh, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कर रहा है वो क्या कर रहा है रॉक्सबर्ग ड्रॉइंग जो रही हैं जो रॉक्सबर्ग ड्राॅइंग्स रही हैं है, अलग अलग स्पीशीज़ की उनको उनको आरकाइव डॉट बी एस आई डॉट जी ओ वी डॉट इन में यहाँ पर अवेलेबल रहेगा तो ये काफ़ी बड़ा रिकॉर्ड होने वाला है काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है और जो डिजिटल पुश है ऑब्वियसली बात है हर चीज़ को फिजिकली सेव करना बहुत ज़्यादा समय तक पॉसिबल नहीं है तो ये जो अब डिजिटल वाला जो पुश पुश है या क्लाउड uh, में जो पुश है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा साबित होने वाला है दैट इज़ वॉट हैज़ बीन डिस्कस्ड इन दिस न्यूज़ आइटम आई आई होप यू गॉट क्लैरिटी एंड रॉक्सबर्ग जो पेंटिंग्स हैं उनको आप की क्यू म्यूजियम लंदन में है के ई डब्ल्यू क्यू म्यूजियम इन लंदन वहां पर भी आप इसको देख सकते हैं तो दैट इज द थिंग इज़ विलियम रॉक्सबर्ग का नाम याद रखेगा फादर ऑफ इंडियन बॉटनी है स्कॉटिश फिजिशियन एंड बॉटनिस्ट हैं ये तो काफी इंपॉर्टेंट है आपको पता होना चाहिए यहां पर देख लो एन हर्ड ऑफ एलिफेंट रिटर्निंग टू द काजीरंगा नेशनल पार्क फ्रॉम द नेबरहुड हिल्स ऑन सैटरडे काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है ये आपका आसाम में है ठीक है ना आपके लिए सवाल ये कि आसाम में और कौन से नेशनल पार्क से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो फेमस है आप मुझे उनके नाम बताइए ठीक है ना दैट इज द क्वेश्चन टू यू आसाम के दूसरे जो फेमस अभी तीन चार तो बहुत ज्यादा न्यूज में रहे तो उनके नाम अगर आप बता सके तो काफी तो अच्छा रहेगा ठीक है ना दैट इज़ अ क्वेश्चन टू यू ठीक है आगे मूव करते देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है शेल्टर्ड वल्चर्स नाव एट होम विद नेचर यहाँ पर क्या है एट क्रिटिकली इंडेंजर्ड ओरिएंटल वाइट बैग्ड वल्चर्स जो थे दे वर रिलीज इन टू द वाइल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया फ्राम द जटायू कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर जो कि कहाँ पर है सिचुएटेड एट बीर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द शिवालिक हिल रेंजेज ऑफ द हिमालयन फुदर्स हरियाणा में है ये ठीक है ना याद रखिएगा हरियाणा में बीर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके कहाँ पर वीर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरियाणा में है वहाँ पर जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर बनाया गया है वहां से रिलीज किया गया था एट क्रिटिकली इंडेंजर्ड ओरिएंटल वाइट बैग्ड वल्चर्स को ओरिएंटल वाइट बैग्ड वल्चर्स को रिलीज किया गया था ठीक है ना याद रखेगा एंड यहाँ पे एक एक जो बड़ा मैं आपको बता दूँ कि इंडिया में जो है नाइन स्पीशीज़ नौ स्पीशीज़ ऐसी है जो कि पाई जाती हैं वल्चर्स की नाइन स्पीशीज़ आर देयर इन इंडिया विच आर देयर उनके नाम पहले मैं आपको बता दूँ उनको लिख लो अब आप लोग यहां देख लीजिए पहला देखो ओरिएंटल वाइट बैक्ड वल्चर जिसकी हम बात कर रहे थे ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ओरिएंटल इंडेंजर वाइट बैक्ड वल्चर जिसकी हम बात कर रहे थे इसको जिप्स बंगाल बेंगोलेंसिस भी कहते हैं जिप्स बेंगोलेंसिस ओरिएंटल वाइट बैक्ड वल्चर क्रिटिकली इंडेंजर्ड है फिर सिलेंडर बिल्ड वल्चर जिप्स याद रखेगा टेन्यूरोस जिप्स टेन्यूरोस्ट्रिस स्लेंडर बिल्ड वल्चर क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और लॉन्ग बिल्ड वल्चर लॉन्ग बिल्ड वल्चर जिप्स इंडिकस ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड टे तो जिप्स इंडिकस जिप्स टेन्यूरोस्ट्रिस और जिप्स बेंगोलेंसिस ये तीनों क्रिटिकली इंडेंजर्ड है फिर इजिप्शियन वल्चर जिसको बोलते हैं वो इंडेंजर्ड है और रेड हेडेड वल्चर जिसको कि आपको सार्कोजिप्स कैलवस बोलते हैं वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और इंडियन ग्रिफॉन वल्चर जिप्स फलवस बोलते हैं इसको ये लीस्ट कंसर्नड है हिमालयन ग्रिफॉन यानी कि जिप्स ये नियर थ्रेटेंड है और सीनेरस वल्चर जिसको एजिपियस मोनाकस बोलते हैं नियर थ्रेटंड है और बियर्डेड वल्चर और लेमरग्री uh, लेमरग्रीयर ये नियर थ्रेटंड है तो दीज आर द नाइन स्पीशीज ऑफ वल्चर्स फाउंड इन इंडिया इसमें से चार जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ओरिएंटल बिल्ड बैक्ड वल्चर स्लेंडर बिल्ड वल्चर और लॉन्ग बिल्ड वल्चर ये मैंने आपको बता दी और ये रेड हेडेड वल्चर ये इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखिएगा ये जो फोटो बना रखी है ना ये भी देखो वाइट बैक्ड वल्चर की है जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर जो कि हरियाणा के पिंजौर में है ये मैंने आपको बता दिया हरियाणा के पिंजौर में अब देखो कुछ जो आ, वेरी कॉमन वल्चर जो हैं दे आर एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन इसका रीज़न क्या है इसका रीज़न है कि अनकंट्रोल्ड विटनरी यूसेज ऑफ नॉन स्टीरियो इस्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लीमेशन ड्रग्स तो नॉन स्टेरयडल एंटी इन्फ्लेमेशन ड्रग्स जो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो रही हैं वो सबसे बड़ा रीज़न है इनके मतलब कि इनके

बहुत बड़ा नुकसान है जो कि होता है अब यहाँ पे कौन कौन सी दवाई है इसमें एसिक्लियोफिनैक हो गया कीटोप्रोफेन हो गया निमोसलाइड हो गया ये सब ड्रग्स जो हैं ये नुकसान करती हैं इसके अलावा जो और ड्रग्स उनके लिए नुकसानदायक है उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट डिक्लोफिनैक जो फार्मूला है मैंने आपको बताया डिक्लोफिनैक बहुत ज्यादा मतलब नुकसान करता है बैन भी लगाया गया इंडिया में वल्चर को कंजर्व करने के लिए डिक्लोफिक पे बैन भी लगाया गया है स्टैब्लिज ठीक है ना तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द न्यूज़ आइटम्स आपको समझ में आ गया होगा आगे मूव करते हैं देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं जिनके बारे में डिस्कस करना है तो यहाँ पर हम आते हैं साइंस वाले पेज में इम्प्रूवड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम फॉर टॉक्सिक टेक्सटाइल इन एफ्लुएंट डेवलप अब यहाँ पे एक इंप्रूव्ड वाटर ट्रीटमेंट मेथड डेवलप किया गया है है ना टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है फॉर रिमूविंग द टॉक्सिक

इसके अलावा जो दूसरा मेथड है वो है स्टैंड अलोन एडवांस्ड ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो मेथड एक्चुअली में है स्टैंड अलोन एडवांस्ड ऑक्सीडेशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा कॉस्टली प्रोसेस है और वो टेक्निक है जो कि कलर ओडर प्रॉपर्टीज़ जो है एफेंट से इंडस्ट्रियल एफ्लूंट से uh, वो रिमूव करती हैं ठीक है न Uh, इसकी जो uh, कॉस्ट है एडवास्ड एडवांस्ड ऑक्सीडेशन प्रोसेस की वह बहुत ज़्यादा है ठीक है ना क्योंकि इसमें कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए केमिकल uh, रिएजेंट्स की केमिकल रिएजेंट्स कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए तब ये प्यूरीफाई करता है ठीक है ना एंड इट कैन नॉट रिमूव द सिंथेटिक इंडस्ट्रियल डाइज एंड एफरवेसेंट कलर इन कलर ओलर ठीक है ना और इसके अलावा यहाँ पर अब जो टेक्नोलॉजी है एक अपग्रेडेड सोल्यूशन है ए का अपग्रेडेड सोल्यूशन है ए का अपग्रेडेड सोल्यूशन जो कि नीड ऑफ दी आर है तो ऐसे ऐसे में या आपको याद रखना है ऐसे में ही जो आईआईटी आपका कानपुर है अलोंग विद द अलॉन्ग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर जयपुर के साथ और एम कॉलेज जोधपुर का है उनके साथ मिलकर के इन्होंने मॉडिफाइड ए पी बनाया है मॉडिफाइड ए पी बनाया है जिसके थ्रू वो एलिमिनेट कर रहे हैं इसको वेस्ट को रिमूव कर रहे हैं जो टॉक्सिक वेस्ट है उसको भी रिमूव कर रहे हैं दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट ठीक है ना और ये एक एक मतलब कि हाई एडवांस जो प्रोसेस थी एओपी जिसको कि काफी ज्यादा महंगी थी हाई कॉस्ट था उसको इन्होंने बिल्कुल कम में कन्वर्ट कर दिया है और जो कॉस्ट है वो लगभग फिफ्टी परसेंट तक घटा दिए गए हैं ना कॉस्ट को लगभग फिफ्टी परसेंट तक कम कर दिया गया तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट एम एन आई टी और कानपुर आई आई टी कानपुर ने मिलकर ए ओ पी याद रखेगा एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेस ये टेक्सटाइल प्लांट या किसी भी प्लांट के जो वेस्ट वाटर रहता है उसमें से टॉक्सिसिटी को रिमूव करने की प्रोसेस के लिए यूज होता है ठीक तो है ना याद रखेगा डब्ल्यू एच ओ सिम्प्लीफाइज द ट्रीटमेंट गाइडलाइंस फॉर हाइपर टेंशन तो हाईपर टेंशन याद रखेगा डब्बल्यू एच ओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि हाईपर टेंशन को रिमूव करने के लिए आपको

औतर ने यह कहा है कि पहली चीज़ तो लोग अनअवेयर हैं हाइपरटेंशन के कारण लोग अनअवेयर हैं कि हाइपरटेंशन टेंशन नाम की कोई बीमारी भी है ठीक है ना और जो लोग अवेयर हैं उनमें से आधे ऐसे हैं जो ट्रीटमेंट ले नहीं रहे दोज हू आर नॉट द ट्रीटमेंट और जो ट्रीटमेंट ले भी रहे तो वो बाकी के चीज़ें जो है प्रिस्क्राइब जो प्रिवेंटिव चीज़ें हैं वो नहीं कर रहे हैं इस कारण से वो इस चीज़ को खत्म नहीं कर पा रहे है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के हाइपर टेंशन जो है सीरियस डिसीज हार्ट ब्रेन किडनी ब्लड वेसल्स की ये सारी चीज़ें होने लगेंगी अगर आप हाइपर टेंशन को कंट्रोल नहीं करते हो तो, तो इसके लिए ऑथर ने सबसे पहले जो बात बोली कि आपको अडॉप्ट करनी है हेल्दी हैबिट्स यानी कि जिनके पास भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा है या जिनको भी ऐसा लगता है तो वो सॉल्ट इनटेक को कम कर दें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएँ अवॉइडेंस और लिमिटेड इनटेक ऑफ एल्कोहल एक्टिविटी मेंटेनेंस ऑफ हेल्दी बॉडी वेट एडिक्यूएट वाटर कंजम्पशन गुड स्लीप एंड स्ट्रेस रिडक्शन ये सारी चीज़ें आपको करनी है याद रखिएगा जिनका भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा है सॉल्ट इंटेक कम करें कंजम्पशन ऑफ मोर फ्रूट वेजिटेबल्स अवॉइडेंस ऑफ लिमिटेड इनटेक अवॉइडेंस और लिमिटेड इंटेक ऑफ एल्कोहल रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी मेंटेनेंस ऑफ हेल्दी बॉडी वेट एडिकुएट वाटर कंजम्पशन गुड स्लीप एंड स्ट्रेस रिडक्शन ठीक है ना ये सारी चीज़ें करनी है ठीक है द दीज आर द थिंग्स विच हैव बीन मैंशन बाय द डब्ल्यू एच ओ इन देयर इन देयर मैनुअल की क्या करना है क्या नहीं करना ठीक है ना दैट दीज आर द थिंग्स विच वर देयर आगे मूव करते विल द न्यू स्कीम हेल्प द टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंतर्गत अब टेक्सटाइल को भी बढ़ावा दिया जा रहा है है दस हजार छह सौ तिरासी टेन थाउजेंड सिक्स एटी थ्री करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं एंड गवर्नमेंट इज गिविंग दिस टू द मैन मेड फाइबर ज्यादा ज्यादा जो पुश है वो मैन मेड फाइबर्स की तरफ रहेगा एंड टेक्निकल टेक्सटाइल सेगमेंट्स की तरफ याद रखेगा मैन मेड फाइबर्स और टेक्निकल टेक्सटाइल टेक्निकल टेक्सटाइल आपको पता है ना क्या है टेक्निकल टेक्सटाइल्स वो कपड़े होते हैं जो आप किसी टेक्निकल वर्क के लिए पहनते हो फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने देखा होगा कि जो बिजली बनाने वाले आते हैं जो जो इलेक्ट्रिशियंस रहते हैं उनके कपड़े अलग रहते हैं वो टेक्निकल टेक्सटाइल्स में आते हैं ठीक है ना अगर अगर देखो तो डिटेल्स ऑफ द स्कीम द स्कीम इज बेसिकली एम्ड एट प्रमोटिंग द इंडस्ट्रीज दैट इन्वेस्ट इन द प्रोडक्शन 64 दोडक्शन सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स चौंसठ सेलेक्टेड हैं जिनके प्रोडक्शन में जो भी इंडस्ट्रीज लगी उनके लिए पैसा है एंड इसमें टेक्निकल तो so टेक्सटाइल जो है वो टेक्निकल टेक्सटाइल तो मतलब मैनमेड और टेक्निकल टेक्सटाइल दो को ही बढ़ावा दिया जा रहा है ये जो पीरियड इन्वेस्टमेंट का वो दो साल का रहेगा विल बी पेड फॉर फाइव इयर्स आफ्टर द फर्स्ट इयर ऑफ पोस्ट इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन एंड स्कीम इज फॉर टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट पहला वो कि मिनिमम तीन सौ करोड़ का इन प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट एंड सिविल वर्क एंड दूसरा जो है और इसमें यह भी है कि दैट मस रजिस्टर मिनिमम टर्न ओवर ऑफ सिक्स हंड्रेड करोड़ ऑपरेशन द सेकंड इज फॉर मिनिमम हंड्रेड करोड़ एंड वेयर द बिजनेस अचीव टर्न ओवर ऑफ टू हंड्रेड करोड़ तो पहला तीन सौ लगाओ और छह सौ करोड़ का टर्न ओवर और दूसरा है कि आप सौ करोड़ लगाओ और दो सौ करोड़ का टर्न ओवर बनाओ ठीक है ना तो ये दो तरीके के इन्वेस्टमेंट है जो कि यहाँ पे प्रपोज किए गए हैं फोकस मैनमेड फाइबर पर क्यों है तो द स्कीम फोकस मैन मेड फाइबर सेगमेंट टू इनेबल द इंडियन टेक्सटाइल एंड क्लोदिंग सेक्टर टू रीगेन इट्स डोमिनेंट स्टेटस इन द ग्लोबल टेक्सटाइल स्टेट तो जो हमारा पहला स्टेटस था पहले हम जो जाने जाते थे वो मैन मेड के लिए ही जाने जाते थे वर्ल्ड में और आज उसी चीज को रीगेन करने के लिए ये फोकस जो है दोबारा से मैन मेड की तरफ किया जा रहा है ठीक है ना लार्जली द कॉटन बेस्ड प्रोडक्ट्स इनके ऊपर हमारा ज्यादा फोकस रहेगा तो so, क्या दूसरी टेक्सटाइल जो है ट्रेडिशनल टेक्सटाइल जैसे जूट वो क्या? इम्पैक्ट होगा तो स्कीम का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा ट्रेडिशनल टेक्सटाइल सेगमेंट पे जैसे जूट और कॉटन है बिकॉज इसमें ऑलरेडी मिनिमम इन्वेस्टमेंट थ्रेश हैं एंड सिलेक्टेड प्रोडक्ट लाइंस ली गई हैं अलग अलग दोनों चीजें इसमें क्लियर हैं स्कीम में uh, कि प्रोडक्ट भी सिलेक्टेड uh, हैं और इसमें uh, जो इन्वेस्टमेंट है वो भी लिमिटेड है एंड द ट्रेडिशनल सेगमेंट्स हैव लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज स्प्रेड अक्रॉस द एमएसएमई सेक्टर ट्रेडिशनल फील्ड में ऑलरेडी बहुत सारी एमएसएमई लगभग जितनी भी एमएसएमई है ट्रेडिशनल फील्ड्स में ही है तो उनके ऊपर इंपैक्ट इतना नहीं पड़ना चाहिए ट इज वॉट दी ऑथरसेज एंड गई कहा कि बहुत अट्रैक्ट करेगा इन्वेस्टमेंट भी आएगा काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होगा ग्लोबल रिटेल ब्रांड बनेंगे और हमारा जो डॉमिनेट पोजिशन था पहले वो हम दोबारा से रिगेन कर पाएंगे ठीक है ना दट इज दिच ऑथरसेज वॉट इज द न्यू फ्रेमवर्क टू शेयर द फाइनेंशियल डेटा अब ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है आरबीआई ने लॉन्च किया है अकाउंट एग्रीगेटर याद देखेंगे दो सितंबर को आरबीआई ने बोला है अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क लॉन्च कर रहे हैं वो लोग और अब ये क्या रहेगा दैट इज फॉर मेकिंग द फाइनेंशियल डेटा एक्सेसिबल फाइनेंशियल डेटा को एक्सेसिबल बनाने के लिए अकाउंट एग्रीगेटर नाम की चीज जो है वो आर ने अप्रूव की है अब इसमें क्या है देशों इसमें आठ बड़े बैंक है उन्होंने एग्री कर दिया है कि वो फाइनेंशियल डेटा शेयर करेंगे विद द अकाउंट एग्रीगेटर अब देखो क्या है है। जैसे फ्रेमवर्क में क्या है कुछ अकाउंट एग्रीगेटर्स बनेंगे अकाउंट एग्रीगेटर जैसे फोन फोन पे हो गया आपका मान लो फोन पे आपका एक अकाउंट एग्रीगेटर की तरह काम कर सकता है एंड ये क्या करेगा जैसे अभी क्या होता था कि जैसे किसी को लोन लेना है तो एसबीआई में उसने उसकी हिस्ट्री देख लिया सिविल स्कोर देख लिया अब उसकी लेकिन अथर का ये कहना है यार का ये मानना था कि जो सिविल स्कोर है वो भी लिमिटेड है अलग अलग जगह पे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर लोग अलग अलग ट्रांजेक्शन्स करते हैं अब ये चूंकि अलग अलग, अलग प्लेटफॉर्म्स पे होते हैं इस कारण से इनकी एक एक जगह डेटा एकज़ाई या कहना चाहिए एक, एक, एक जगह कंसोलिडेट नहीं रहती है तो ऐसे में ऑथर ने यहाँ पर ये कहा है कि ये जो अकाउंट एग्रीगेटर रहेगा ये अलग अलग ट्रेडिशनल जो प्लेटफॉर्म्स हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के वहाँ से डेटा को एग्रीगेट करके अपने पास एक जगह रखेगा और फिर ये डेटा जो है वो अगर कोई मतलब कि जब लोन ले रहा हो तो समय कोई भी जो बैंक है वो चेक कर सकता है तो यहाँ पे अकाउंट एग्रीगेटर लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो बोरो द बोरोर हैज़ टू गिव द कंसेंट फॉर द शेयरिंग ऑफ ऑफिस डेटा विद द लैंडिंग बैंक जो भी बैंक लोन दे रहा होगा जिसको लैंडिंग बैंक बोलते हैं अगर वो डेटा देखना चाहे तो बोरो से उसको उसका कंसेंट जरूर लेना पड़ेगा बॉरो के कंसेंट के बिना आप उसको एग्रीगेटर नहीं दे सकता है ठीक है ना तो ये याद रखेगा तो वही वाली चीज़ है कि अभी जो है अलग अलग मतलब एक इंस्टीट्यूशन में आदमी का जमा होता है पैसा या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन लेकिन यहां पर जो ये ये अकाउंट अकाउंट एग्रीगेटर जब आ जाएगा तो सबको एग्रीगेट कर देगा ठीक है ना अंडर द एग्रीगेटर फ्रेमवर्क ऑल द डेटा कैन बी बीजी कोलेटेड एंड शेयर्ड थ्रू अकाउंट एग्रीगेटर विद द कंसेंट ऑफ द इंडिविजुअल इंडिविजुअल के कंसेंट से अगर अकाउंट एग्रीगेटर चाहे तो वो पूरा डेटा शेयर कर सकता है लेंडिंग बैंक के साथ ठीक है ना कुछ लोग कह रहे थे सिविल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो फिर ये क्यों कर रहा है तो लेकिन सिविल एग्रीगेट की भी अपनी लिमिटेशंस है है ना उसमें क्रेडिट वर्दीनेस समझ में नहीं आती है और उसमें भी उसकी जो लिमिटेशन इसी कारण सी अकाउंट एग्रीगेटर वाला फंडा लाया जा रहा है वाई इज निपा रिटर्न इन केरला कॉज ऑफ कंसर्न तो निपा वायरस आप सबको पता है कि इसका जो मेजर एक जूनोटिक डिसीज़ है यानी कि एनिमल से फैलने वाली डिसीज़ है एनिमल्स में जो एनिमल सबसे देखिए इसको फैलाता हुआ है फ्रूट बैट्स फ्रूट बैट्स ये देख रहे हैं उल्टा लटका हुआ है जो ये उल्टा लटका हुआ यही है फ्रूट बैट और यही फैलाता है है ना एंड ये क्या करता है फल खाया जैसे इसने मान लो फिर ये सबसे पहली बार जब ये यह वायरस बीमारी आई थी ना तो वो आई थी सुंगाई निपा नाम के गाँव में जो मलेशिया सिंगापुर ये वाले रीजन में है ना यहाँ पर सबसे पहले ये आया था ये बीमारी आई थी नाइनटीन में आई थी ठीक है ना और ये हाईली पैरामिक्सो वायरस है हाईली पैरामिक्सो वायरस ठीक है ना याद रखेगा एंड इसमें हाईस्ट ग्रेड फैसिलिटीज जिसको बी एस फोर बोलते हैं वो जरूरत पड़ती है इस वायरस में ना हाईली कंटेजियस एंड निपा वायरस याद रखेगा अभी केरला में फिर से वापस आया तो है फ्रूट पैट्स इसके नेचुरल होस्ट होते हैं ये भी याद रखेगा लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये कोविड जैसा फैलता नहीं है ये क्योंकि कोविड तो एयर एयर से भी फैल रहा था निपा जो है उसके लिए फ्लूइड्स या कॉन्टैक्ट की जरूरत पड़ती है तो इसको इसको इसलिए थोड़ा सा इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो स्लो डाउन हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस रीजन ठीक है ना दैट इज़ वॉट हैज़ बिन सेड इन दिस आर्टिकल आई होप यू गॉट क्लैरिटी आपको समझ में आ गया होगा And that is it for the day, friends. Keep loving us, keep sharing us. Thank you, and have a nice day.